ब्रेकिंग न्यूज बुलंद शहर सरे बाजार चाकुओं से गोकर गला रेतने वाले हत्यारे के इकबाल ने जुर्म का वीडियो वायरल कर खुर्जा में समीर नाम के युवक की चाकुओं से गोदने के बाद गला रेत कर की गई थी हत्या। आरोपी ने आज इकबाल ने जुर्म का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। वायरल वीडियो में खुद को मृतक समीर की बहन का प्रेमी बता रहा है। हत्यारोपी नवाब एक अन्य वीडियो में पुलिस प्रशासन से रहम की भीख मांगता दिख रहा है। नवाब वायरल वीडियो में खुद को कानून के हवाले करने की बात कहता नजर आ रहा है। हत्यारोपी बुलंद शहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के तरीनान में सरे बाजार की गई थी समीर की निर्मम हत्या। जहां भी आप मुझे बुलाएं मैं वहीं आ जाऊं। मैंने जो करा गुनाह है मालूम, गलती हुई है मुझसे शराब के नशे में। अगर मैं ना मारता तो वो मुझे मार देता। वो सामान लिया ढोल रहा, बताओ मैं क्या करता। मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए अपने परिवार का ख्याल ना है। मुझे मैं अपने आप ही वो कल हाजिर कर दूँगा और इंस्पेक्टर साहब मुझे माफ़ कर देना इस गलती के लिए। और मैं खुर्जे के प्रशासन से भी गुजारिश करता हूँ कि मैंने जो करा है गलत करा है, वरना ना करता तो ये मुझे मार देता। लेकिन 18-20 लाख रुपये देने के बाद इन्होंने जहाँ भी जा रही बुलंद शहर इन किसी परिवार के साथ, तुम मेरे मोबाइल में चेक करके देखती हो वीडियो, इसी परिवार के साथ 17,000 रुपये बुलंद शहर की नमाज में खर्च करता है। पिछले साल भर होने को आ रही है, बताओ मैं कहाँ तला। बढ़िया कपड़े, बढ़िया जूते, बढ़िया जो घोर चौराहे पे एसी होटल है, एसी होटल उसमें तुम कैमरे चेक करा लो 1.25 महीने के। इसकी बहन, लड़की, मैं और हीना सब बैठे हैं, चेक करा लीजिए आप। मैं पानी की तरह बिल बैठे 2-2 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये, बताओ मैं क्या करता। इतना टॉर्चर जो कह रही तुझे जेल में से छोड़ने नहीं दी। और झूठे मूठे हर दफ़े तहरी झूठी, हर दफ़े झूठी, बता मैं काम वाम छोड़ छाड़ के क्या करता हूँ। जूस जो बेके सलमान तरीनान में, ये मुझसे बोला नवाब भाई 3 दिन से कट्टा लिया डोला 315 का, ये क्या नाम है समीर, क्या बात हो गई है। इसीलिए मैं नशे की हालत में था, मैं कल अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। मेरा 18-20 लाख रुपए इसकी माँ ने और इसकी बहनों ने, इस परिवार ने मेरे खा लिए। और क्या नाम है, इसकी माँ से मेरी बात हो गई, कहने लगी मेरे बेटी का केस चल रहा और क्या नाम है ये केस निमट जाएगा तो मैं तुझसे ही कर दूंगी। मैं मजबूर होकर मैं बोला कि चलो कोई बात ना, मैं चल अब मैं भी औलाद का मुँह देख लूँगा। मैंने इसलिए ये कदम उठाया। और देखो मैं ना मारता तो ये मुझे मार देता, बताओ मैं क्या करता। मेरा 2.5-3 साल से रिलेशन है, पानी की तरह पैसे इन परिवार से मैंने उठाए, पानी की तरह मैंने पैसे उठाए इस परिवार पे। कभी 10,000 मांग गई, कभी 20,000 मांग गई। जब इसकी बेटी साहिबा जो है उस साहिबा का जो इसकी बेटी साहिबा के गुर्दों में पानी उतरी आया था, 40,000 तो मैंने उसी दिन दिए इसे बुलंद शहर अस्पताल में शबनम को। ये मुझसे हर दम पर मेरी किस्त भरनी है, ये भरना वो भरना, ये होना वो होना, बताओ मैं कब तक जुल्म सहता। फिर उसके बाद भी कहीं लड़के का आया होगा इसके ढीना के लिए कि घर परिवार अच्छा, बंगला है, कार है, ये है, वो है, घर है, यहाँ करेंगे, तो उसका मेरे पास फ़ोन आया ऐसे ऐसे कह रही है अम्मी। मैंने तुमने क्या जवाब दिया, तो कहने लगी मैंने तो मना कर दी। और इसकी माँ से मैं बोला ऐसा मत करें, कहने लगी पीछे हट जा वरना तुझे तमाम उम्र के लिए 76 लगवा के जेल करवा दूंगी। सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाएं अपने शहर की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल।